मम्मा किड्स स्टोरीज। एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन था। बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे थे उधर। सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ थी, सुंदर सुंदर पेड़ थे, सुंदर सुंदर फूल थे। क्या सुंदर नज़ारा था। वहाँ ढेर सारे लोग छुट्टियों में घूमने के लिए आते थे। वहाँ एक जगह पर एक स्टॉल था जो कि नूडल्स का स्टॉल था। वहाँ पर एक आदमी जो बहुत ही बेहतरीन खुशबू वाली नूडल्स बनाता था, उसके भाव भी बहुत कम थे। लोग उधर खाने के लिए आते थे, लेकिन दिन में 3 या 4 लोग ही उसकी नूडल्स खाने के लिए आते थे। इसलिए वो आदमी परेशान रहता था कि मैं इतनी अच्छी खुशबू वाली नूडल्स बनाता हूँ जिसका स्वाद भी बेहतरीन है, फिर भी यहाँ कम लोग क्यों आते हैं। जबकि उसकी दुकान के सामने ही एक दूसरी दुकान थी, वहाँ पर वो आदमी बर्गर बेचता था। वहाँ हर रोज ढेर सारे लोग बर्गर खाने के लिए आया करते थे। वो देख के नूडल्स वाला आदमी हमेशा दुखी रहता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरे यहाँ भी खाने के लिए आए। यहाँ लोग क्यों नहीं आते, क्या करूं ताकि मेरी भी नूडल्स बिके। एक दिन उसका बेटा स्कूल से उसकी दुकान पर आया। उसने अपने पापा से पूछा कि पापा आप इतने उदास क्यों हो। तो उसके पापा ने कहा कि देखो ना बेटा, इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन कोई मेरी नूडल्स खाने के लिए नहीं आता, जबकि सामने बर्गर खाने के लिए ढेर सारे लोग आते हैं। मेरे नूडल्स के भाव बर्गर के भाव से भी एकदम कम है। इतनी अच्छी टेस्ट भी है जिसकी, लेकिन फिर भी कोई नहीं आता। बच्चों को जो नूडल्स पसंद है वो भी इधर कम आते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी नूडल्स ज़्यादा बिके। तब उसके बेटे ने कहा कि पापा चलो हम कुछ आइडिया लगाते हैं, कुछ सोचते हैं। उसके बेटे ने कहा कि पापा हम कोई आइडिया लगाते हैं जिससे हमारी भी नूडल्स बिकने लगे। कुछ दिनों के बाद नूडल्स के दुकान में ढेर सारी भीड़ बढ़ने लगी। जो भी घूमने आता वो उसकी नूडल्स खाने के लिए आता ही था। बच्चे भी जिद करके कि मम्मी नूडल्स तो ये अंकल की ही खानी है, कितनी बेहतरीन नूडल्स है मम्मा, हमको तो इधर ही खाना है। बच्चों तो क्या, बड़े भी उधर खाने के लिए आते थे। ये देख के बर्गर वाला परेशान हो गया। उसने सोचा कि कुछ दिनों में ऐसा तो क्या बदलाव आ गया कि मेरे यहाँ की होने वाली भीड़ कम होने लगी और नूडल्स की दुकान में लोग बढ़ने लगे, ऐसा तो क्या हो गया। एक दिन बर्गर वाला आदमी कहीं जा रहा था, उधर उसको नूडल्स वाले का बेटा मिल गया। वो आदमी ने नूडल्स वाले के बेटे से पूछा कि बेटा सुनो, मुझे कुछ बात करनी है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने ऐसा तो क्या किया कि मेरे बर्गर की दुकान से भीड़ कम होती जा रही है और तुम्हारी नूडल्स की दुकान में भीड़ बढ़ती जा रही है, ऐसा तो क्या कर दिया तुम लोगों ने। तो वो बेटा हंस के बोला कि अंकल हमने तो बस हमारी नूडल्स की वैरायटी ही बढ़ा दी। अब हम अकेली नूडल्स नहीं बेचते, अब हम नूडल्स के पकौड़े, नूडल्स के पिज़्ज़ा, नूडल्स का सूप, नूडल्स की भेल, पनीर के नूडल्स और चीज़ के नूडल्स भी बेचते हैं। ये वैरायटी लोगों को नई और पसंद भी आ रही है, उसका स्वाद भी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को तो चीज़ नूडल्स का टेस्ट ही इतना अच्छा लगा और बच्चे तो सिर्फ नूडल्स के पिज़्ज़ा और चीज़ के नूडल्स ही खा रहे हैं।
इस सब वैरायटी के कारण ही हमारी नूडल्स इतनी अच्छे से बिक रही हैं। यही है हमारी सफलता का रहस्य। फिर बर्गर वाले ने भी ये सब वैरायटी ऐड की और उसकी भी शॉप बहुत अच्छे से चलने लगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेहनत से किया हुआ कोई भी काम हमेशा आपको सफलता ही दिलाता है। हेलो बच्चों, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ हर रोज सुनने के लिए ये स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।